Hey everyone and welcome back to our channel. और आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या उड़ा है, तो मैंने स्टॉल उड़ा है क्योंकि थोड़ी सी यहाँ भी ठंड पता नहीं कहाँ से आ गई, कभी कभी आ ही जाती है. और ये जो मंथ चल रहा है तो थोड़ी सी ठंड होती है यहाँ भी, इतनी कि बस आप एक पतला सा स्टॉल ओढ़ लो या फिर ये भी ना ओढ़ो चलता है, बट मुझे लग रही थी ठंड तो मैंने ओढ़ लिया, इसमें शर्म की क्या बात है. और आज है हमारे नए साल का दूसरा दिन, तो सुबह से मेरी डेली जो लाइफस्टाइल है वो स्टार्ट हो चुकी थी. जीविका स्कूल जा चुकी है और मेरे हस्बैंड कुछ लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे हैं, तो उनको अभी फ़िलहाल मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ. और क्या लंच में मैंने भिंडी बनाया था, दाल बनाई थी और कुछ खास नहीं बनाया, अभी देखते हैं. और अब मैं क्या करूँगी यार, एक बात करनी है. आप लोग मेरे डेली व्लॉग्स अच्छे से नहीं देख रहे, ऐसा मुझे लग रहा है. अभी क्या करूँ, ये तो डेली रूटीन लाइफ का ही चैनल है, तो वो चीज़ें तो मैं डालूँगी. तो देखा कीजिए, सपोर्ट कीजिए. आप लोगों का नया साल कैसे गया, आप लोग एक सब बताना मुझे कमेंट करके कि आप लोगों ने क्या क्या किया, किसने क्या स्पेशल किया और किसने हमारी तरह कुछ नहीं किया, घर में ही थे, ये ज़रूर बताना, ठीक है. और वैसे तो जनवरी पूरा कहते हैं पूरा मंथ ही नया साल है, तो हम कभी भी इंजॉय कर सकते हैं, कितनी पॉजिटिव होना मैं. और मैं यहाँ आ गई हूँ अपने बाल सुलझाने. मेरे बाल देखो कैसे हो गए. एक्चुअली क्या है ना, मैंने बीच में ना हल्के हल्के कर्ल्स किए थे, देखो दिख रहा है ना, ये देखो कर्ल्स जैसे दिख रहे हैं, तो वो मैंने ऐसे घर पे ट्राई किया था, उससे मेरे बाल ऐसे हो गए बिल्कुल जैसे क्या कहते हैं, मतलब जितना मेरे बाल बहुत मोटे मोटे से बाल हो गए हैं. बाल सुलझाना भी एक बहुत ही बड़ा टास्क है मेरे लिए. अच्छा आप लोग मुझे सजेशन देना, मैं अपने ना थोड़ा सा हेयर स्टाइल चेंज करना चाहती हूँ, तो आप लोग मुझे सजेस्ट करना कि मेरे बाल स्ट्रेट अच्छे लगेंगे या फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि बाल कर्ल उनको, क्योंकि मैं स्ट्रेट हमेशा आज से नहीं ज़माने से रख रही हूँ, स्ट्रेट बाल ही रखती हूँ, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नहीं थोड़ा अब तुम कर्ल करो, बट कर्ल बालों को मेंटेन करना नॉट ईजी, बहुत ही मुश्किल है. इसलिए मैं ये देखूँ मेरे बाल नीचे से, तो इसलिए मैं कर्ल बाल कभी रखती नहीं हूँ. मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है सच बता रही हूँ. मेरे बाल में ये तीसरी कंघी टूटी है और ये कंघी 280 रुपीज़ की मिलती है यार, मुझे खरीदना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं क्या बोलूँगी, चलो देखती. अच्छा एक काम करती हूँ, कैमरा मैं लगा ही नहीं रहूँगी, मतलब कैमरा लगा ही रहूँगी लेकिन उनको नहीं बोलूँगी कि स्टार्ट है. अब देखना कि ये कंघी टूटी है ना, इसमें मुझे क्या डांट पड़ती है, आप लोगों को बताती हूँ. तो थी लेकिन अभी ना वो नहा रहे हैं और नहाने के बाद तो पक्का वो कंघी ढूंढेंगे. मैं एक काम करती हूँ, मैं ना कोम को, उनको बहुत गुस्सा आता है अगर नहा कर निकले और कंघी और क्या चीज़ कोम एंड बॉडी लोशन, ये दो चीज़ अगर जगह पे नहीं हुई ना, इस बार तो कंघी टूट ही गई है, क्या करूँ, अब इतनी जल्दी तो मैं ला भी नहीं सकती. चलो एक काम करती हूँ, ज्वाइंट करके रख देती हूँ. कंघी कहाँ है? कंघी ये है ना, कंघी कहाँ, पीछे ही तो है.
ठीक है। कंघी कैसे टूट गई यार, और जोड़ के रखी हुई है यहां पे। मैंने नहीं तोड़ी। तुमने नहीं तोड़ी तो जीविका तो खुद से कर, बाद अपने बनाई नहीं सकती, तो किसने तोड़ दी थी? मैंने तो करा नहीं उसमें, जब कॉम अभी तक अपने पास मुझे पता चला होगा। तो हंसने वाली क्या बात है यार, तुम्हें पता है मुझे कौन चाहिए, तो मैं बाहर कैसे बनाऊंगा अपने? ये लेके ना दूसरा ले लूंगी मैं। आपके बाल ना, आपके बाल तो इससे भी हो जाएंगे, देखो करके आधे से भी हो जाएंगे। वो तो इससे भी हो जाएंगे, छोटी वाली से भी हो जाएंगे, छोटे बाल है ना। क्या यार तुम यार, आप दोनों से कर रहे हो भाई? छोटे वाला मेरे को इस वो टुकड़े चाहिए से होगा, कभी छोटे वाला ब्रश चाहिए होगा मुझे, ये चौड़े ब्रश है। वैसे एक अच्छा हो गया ना, कभी आपको ये मोटे वाले से करना हो तो कभी छोटे, दोनों टुकड़े। मतलब कुछ ज्यादा नहीं कॉमेडी कर रही तुम, फालतू की। हैप्पी न्यू ईयर दो को। बहुत हंसी आ रही। आपको एक बात बताओ यार, छोड़ना यार, एक बात बताओ, एक बात बताओ। डांटे तो जा रहे हो लेकिन कैमरा ऑन है। वो देखो, अब तो पता चलेगा कि तुम्हें ये मतलब तुमने क्या किया मतलब? नहीं टूटा सच में था, लेकिन मैंने फिर क्या बोला ना, मैं ब्लॉग बना रही थी तभी ये टूट गया था। मेरे साथ मजाक कर रही थी तुम? हाँ मजाक नहीं, टूटा तो सच में था। फिर मैंने सबको बोला ना कि अभी देखो क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि मैंने बोला था ना कि मुझे डांट पड़ेगी। इधर लगाया था मेरा कैमरा, इधर इधर ये देखो कोने में। ठीक है चलो, अभी बहुत मजाक कर लिया। तो देखा आप लोगों ने कि शीतल ने कैसे मेरे साथ, मतलब इसको पता है कि मुझे नहाने के बाद बॉडी लोशन और कॉम जो है मेरा, कंघी मुझे चाहिए होता है, और कंघी तोड़ दिया इसने और ऊपर से जोड़ के रख दिया। मतलब हद हो गई ना ये तो, आज हद कर दी इसने। और मतलब इंसान को गुस्सा ना आए, क्यों ना आए भाई, गलती करके भी ना आए, थोड़ा सा तो आएगा ना यार। ये मैंने तरक्की की है, एक का दो कर दिया। हाँ बहुत सही तरक्की की हो तुम, 250 का कंघी 500 में कर दिया कन्वर्ट, एक कर दो है अब, ये 500 में बेचेंगे क्या हम लोग? दो हो गई है। लेकिन मजा आया सर, तो आपको अरे, भी बहुत मजा आया, ऐसे लग रहा बोनी हो। सॉरी, आप लोगों को भी बहुत मजा आया होगा। मुझे तो जब भी टूटा ना, मेरे दिमाग में एक खुराफात आ गई कि अब इसका भी मैं कुछ यूज करती हूँ। चलो ठीक है, एनीवे अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं काम से नीचे, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। एक्चुअली बिल जमा करना है तो मुंबई पे जा रहे हैं। यस, आके फिर आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है? डांडिया खेलूंगा मैं इससे। तो हम लोग आ चुके हैं, आ नहीं काफ़ी टाइम पहले आ चुके थे, और हमने कर लिया है लंच। लंच में मैंने किया, हमने किया सॉरी, भिंडी दाल रोटी सैलेड और एक अलग सी स्पेशल चटनी। तो कभी मैं उसकी रेसिपी बताऊंगी, लेकिन कोई स्पेशल लगी है नहीं, पता नहीं मुझे तो ना इसका ऐसा लग रहा है कि बस मुझे सोना है, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं और बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल, 2-3 दिन वैसे लग रहा है नींद पूरी नहीं हुई है, बहुत नींद आ रही है। और बहुत अच्छा लगा, खाना तो बहुत अच्छा था आज, जो रायता बना था दैट वाज रियली गुड। लेकिन आज जो वो कॉम के ऊपर, कंघी के ऊपर जो बात हुई है ना, तुमने किया क्या था मुझे तो समझ में नहीं आया, तुमने कॉम कैसे टूट सकती है यार, बाल बनाते बनाते तुम्हारी। आप लोग देख रहे थे ना, आप लोग के साथ ही मैं ब्लॉग बना रही थी ना, आप लोगों ने देखा था मैं कॉम कर रही थी और अचानक से वो टूट गया। और तुमने रख दिया ऐसे, तुमने अब तुम जोड़ के तो रखती फेविक्विक लगा के। अच्छा वो फेविक्विक लगा भी देती तो क्या, करने के टाइम वो निकल ही जाता। वो जो भी है, लेकिन तुमने ऐसा कैसे कर दिया? अरे मैंने तो आप लोगों से बात किया ना कि अब देखो क्या होगा, और ये वाकई ऐसे डांटते हैं कंघी, छोटी मोटी चीज, अगर छोटी मोटी की बात नहीं है, यू शुड टेक केयर ऑफ योर थिंग्स ना भाई, आपको ध्यान रखना चाहिए अपनी चीज़ों का, तो उसमें डांटने वाली कोई बात नहीं है, समझाने वाली बात थी, समझो उन चीज़ों को। लेकिन सच बता रही, ऐसे उठाया जैसे लगा कि, और जैसे उठाया ना मैं पीछे से देख रही हूँ, अब पड़ेगी डांट, और वैसे ही हुआ, सेम वैसे ही हुआ, जैसे ही उठाया बड़ 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 चालू आपको। लेकिन ये है कि अगर किसी को मान लो तैयार होकर जाना है
और कंघी ना रहे उस टाइम तो गुस्सा आता ही है। अब मैं दो तीन कंघे एक साथ खरीद लूंगी। ले ले भाई तुम एक काम करो, इतनी महंगी कंघी मत लो अभी, तुम सस्ती लो। एक्चुअली ये जो कॉम था ना ये बहुत अच्छा होता है, इसमें आपके बाल जो है बहुत ज्यादा मतलब खींचते नहीं है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। लेकिन यही है कि उसका जो मटेरियल ऐसा होता है ना कि अगर गिर भी गया तो टूट जाएगा, या बहुत ज़्यादा थोड़ा सा भी आप उसको मोड़ोगे तो वो टूट जाता है। वैसा बहुत बार हो चुका है। हाँ कितनी बार तो ये घर में नहीं रहे, मुझसे टूटा मैं फटाक से जाकर लेकर ला कर रख दी हूँ। लेकिन आज क्या हुआ कि अभी मैं करती क्या, रंगे हाथ पकड़ी रंगे हाथ पकड़ी नहीं पकड़ाई खुद को। लेकिन मज़ा आया ना मुझे तो बहुत, मुझे खुद का वो वीडियो देखकर इतना इतनी हंसी आ रही थी ना, मैंने ये हुआ क्या आज सुबह सुबह तुम मेरा यार। लेकिन मजा आया, कोई नहीं, कभी कभी कुछ ऐसी चीजें हो जाती है। मुझे तो आ रही नींद, मैं अब एक दो घंटे सोऊंगा तो मुझे आंखें नहीं खुल रही मेरी तो नींद। तो चलिए अभी इनको नींद आ रही है तो इनको सोने देती हूँ और मैं इस ब्लॉग को भी एंड करती हूँ। और कल कोशिश करूँगी कोई रेसिपी ब्लॉग बनाऊँ, आई मीन अपना मॉर्निंग से जो मेरा रूटीन होता है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। काफ़ी टाइम हो गया नहीं किया है मैंने। और आप लोग प्लीज़ ब्लॉग्स देखा कीजिए अच्छे से और लाइक ज़रूर किया कीजिए, लाइक ज़रूर करें। और दूसरा जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बटन जो है पहला आइकन है दबा दें ताकि आपको हमारे हर ब्लॉग का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमें इंस्टा पे फॉलो जरूर किया करें। यस, इंस्टा का ईमेल इंस्टा का जो आईडी है वो आपको इस तरह से दिख जाएगा जैसे कि आपको दिख रहा है अभी। मैं बोल भी देता हूँ, जतिन भाटिया 731.official। और हमारा जो ब्लॉग का ईमेल आईडी है इंस्टा का वो क्या है, jatinshital_007। जी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। और तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें और ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे हमारे देश को नुकसान हो या फिर हमारे माँ बाप को कोई प्रॉब्लम हो या उनको कोई परेशानी उठानी पड़े। अपना ध्यान रखें, अपने आसपास सफाई रखें, अपने माँ बाप को खुश रखें और अपने देश का नाम रोशन करें। टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, बाय।